फिर अब कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए राहु गए चौथे स्थान में, शनि 12वें स्थान। शनि लग्नेश होकर 12वें स्थान में स्वराशि हैं, गुरु धनेश होकर 12वें स्थान में चले जाएंगे, और राहु आप उनको लग्नेश भी मान सकते हो क्योंकि कुंभ राशि का मालिक भी कहते हैं हम राहु को, तो वो चौथे स्थान में जा रहा है। अब जब राहु आपके चौथे स्थान में चला जाता है तो ये सुख पर हानि करता है। दैट मींस जब चौथे स्थान में अगर राहु गए, आपके माइंड के अंदर राहु ने अपना पॉइजन डाल दिया। एट द सेम टाइम योर लग्नेश इज स्वराशि इन द 12th हाउस, सो देयर इज अ प्रिंसिपल। अगर लग्नेश पाप ग्रह होकर 12वें स्थान में है तो वो व्यक्ति अपना अनर्थ कर सकता है। जनरली स्वराशि लग्नेश है इसलिए अनर्थ बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन अनर्थ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी आप क्यों करोगे, क्योंकि उस लग्नेश पर राहु की दृष्टि है। तो राहु उस चीज को प्रोपेल कर सकता है कि आप अपने लॉस की चीजें करो, यानी कि आप ऐसी एक्टिविटीज करो जिसमें कि आपका खुद का नुकसान हो, और चूंकि ये एक्टिविटीज लग्नेश से संबंधित है इसलिए आप हेल्थ से संबंधित गलत एक्शंस ले सकते हो। इस समय पर कुंभ लग्न वालों को या राशि वालों को सबसे प्राइमरली अगर किसी चीज से बचना है तो बिना सलाह के, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवाई लेने से बचना। ऑल्दो सैटर्न बीइंग द लग्न लॉर्ड लुकिंग एट द 6th हाउस, दैट मींस शनि आपका लग्न का लॉर्ड होकर जब छठे स्थान को देख रहा है तो आपके कंपटीशन को, आपके रोग को तो खत्म करेंगे शनि, कंपटीशन को तो खत्म कर रहे हैं, बट राहु चौथे स्थान में जैसे ही जाता है मन के अंदर इतनी अशांति क्रिएट करते हैं कि आप अपनी दिशा से भटक सकते हो। फॉर द कुंभ लग्न ऑल्सो दिस इज गुड टाइम टू गेट इन टू फॉरेन लैंड, ट्रांजिशन के लिए अच्छा टाइम है, स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा समय है, बट खर्चे बहुत दिख रहे हैं क्योंकि लग्नेश भी 12वें स्थान में चले गए, राहु का दृष्टि भी 12वें स्थान में, और धन स्थान का लॉर्ड भी 12वें स्थान में। दैट मीन्स आपको एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं। हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि धन का लॉर्ड 12वें स्थान में और लग्न का लॉर्ड भी 12वें स्थान में है, इन एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आप बच सकते हो, बिकॉज द सेम 12th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो मैं अपनी इनकम, धन, अपनी सेविंग को अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दूं इस समय पर तो मैं बच सकता हूं वो खर्चे को करने से, क्योंकि हम इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो एटलीस्ट हमारे हाथ से तो निकल गया पैसा। अगर आपका धन का लॉर्ड 12वें स्थान में जा रहा है मतलब खर्चा तो होना ही है, इसलिए बेटर है कि आप उसको इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्टमेंट करने से वो पैसा आपके पास तो नहीं रहेगा लेकिन बच जाएगा। दूसरा, केतु 10th में जा रहे हैं अगर राहु चौथे में जा रहे हैं, अब जब भी केतु 10th के अंदर जाएंगे, केतु डजंट लाइक 10th हाउस, राहु लाइक 10th हाउस, राहु डोंट लाइक 4th हाउस, उल्टा है इन दोनों का, राइट? क्यों? क्योंकि फोर्थ मोक्ष त्रिकोण है, अब उसमें जाकर आपके राहु बैठ रहे, जबकि केतु जो दशम जो स्थान है, जो कर्म का स्थान है, उसमें केतु बैठ रहा है, जबकि केतु बोलता है कोई काम नहीं करना है, ध्यान करना है, क्योंकि केतु तो मोक्ष कारक है। तो आपके कर्म में और मोक्ष में एक एडवर्स सिचुएशन बन रही है इस समय कुंभ लग्न में। राहु अपने नेचर के हिसाब से आपको मोक्ष कारक की जगह भोग कारक में लेके जाएगा, लेकिन आपको पीस नहीं आने देगा। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू फ्यू मंथ्स देयर इज नो पीस इन द माइंड, वेयर एज केतु विल क्रिएट डिजेक्शन फ्रॉम योर वर्क, बिकॉज केतु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर इनस्टेबिलिटी आने लगती है, क्योंकि तो केतु है भी पूछ जैसे, टेल जैसे हैं। तो जैसे ही केतु दशम में गए आपके कार्य क्षेत्र हिलने लगेगा, राहु उस समय चौथे में होंगे, आपको संतुष्ट नहीं होने देंगे। दैट मीन्स ये टाइम आपके लिए एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, ओवर एम्बिशन का है जो कि फुलफिल नहीं होंगे। राहु एक ऐसी डिजायर चौथे स्थान में बैठ के क्रिएट करता है जो कि कभी भी पूरी ही नहीं होती, मतलब आपको हर इतना डिजायर में रख देंगे, आपको डिजायर में रख रख के पूरा 1.5 साल आप लगातार किसी किसी डिजायर पर काम करोगे,
बट राहु आपको संतुष्ट नहीं होने देंगे। फॉर कुंभ लग्न इट इज कंपल्सरी दैट दे डू दुर्गा मंत्र बिकॉज राहु इज गोइंग इन द हाउस ऑफ माताजी और राहु का कंट्रोलिंग देवी है दुर्गा। तो अगर आप दुर्गा का मंत्र करते हैं, दुर्गा देवी का मंत्र करते हैं, ये राहु को बैलेंस कर सकते हैं इस समय। दूसरा ओम नमः शिवाय हमको करना है क्योंकि हमें लग्नेश को बलवान रखना है। ऑलरेडी लग्नेश स्वराशी है बट 12th हाउस में, तो ऐसी एक्टिविटीज हम नहीं करने लगे जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो, स्पेशली फूड रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, राइट। ये टाइम पर कुंभ लग्न के लिए फास्टिंग इज ए वेरी गुड ऑप्शन। तो आप व्रत रख सकते हो, शनिवार का व्रत रख सकते हो, बुधवार का व्रत रख सकते हो, ये अच्छा ऑप्शन है बिकॉज 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ फास्टिंग। आपके लग्नेश वहां जाकर बैठे हैं और वो 6th हाउस को देख रहे हैं, दैट मींस कि आपके पास वो कैपेसिटी, नॉर्मली कुंभ लग्न के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती फास्टिंग करने की क्योंकि राहु शनि का लग्न है, बट इस समय आपके पास वो कैपेसिटी आ रही है कि आप फास्ट करके मन को काबू में रख सकते, तो ये कुंभ लग्न के लिए हुआ।